बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों पर बिल्कुल सेफ होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़बरदस्त है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम घर में बनाएंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क का आप बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, तो वो आज हम घर में बनाएंगे। सो आइए उसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है दूध। दूध यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप। अब दूध को हमने पैन में ले लिया है, नीचे हम स्टोव ऑन कर देंगे और दूध को हम जो है वो बॉयल होने देंगे। यहाँ पर दूध जो है हमारा बॉयल हो चुका है, या आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। अब इस दूध में हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर में इसमें 1 कप ऐड कर रही हूँ। जो 2 कप मैंने लिया है दूध, वही 1 कप में इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। अभी हम इसे जो है वो स्टर करते रहेंगे ताकि जो शुगर है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। हम इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे। अगर आप जो है इसे स्टर नहीं करेंगे तो फिर जो है वो चीनी नीचे या साइडों पर चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। इसे आपने स्टर करते रहना है, वक्फे वक्फे से भी आप इसे स्टर कर सकते हैं, या और आप मुसलसल अगर आप आँच जो है वो तेज़ रख रहे हैं तो आपने इसे मुसलसल स्टर करते रहना है, और अगर जो है आँच हल्की है तो आप इसे वक्फे वक्फे से हिला सकते हैं। या आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर चीनी डिज़ोल्व तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमने अब इसे मज़ीद पकने देना है। तो फ्रेंड्स, अब क्या आप देख रहे हैं कि कितनी इजी ये रेसिपी है, कितने इजी से हम इसे कंडेंस मिल्क जो है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, आइसक्रीम बनाने में यूज़ होता है ये कंडेंस मिल्क, आप उसमें भी ऐड करते हैं। इसके अलावा केक्स में बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें कंडेंस मिल्क यूज़ होता है। तो इजी है इसे घर में बनाना, घर में बना के आप आसानी से मुख्तलिफ रेसिपीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं फुल वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने इसे कितना पकाना है। ये आप देख सकते हैं ये पक रहा है अभी भी, और हल्का सा इसमें जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं दूध वाइट से जो है वो थोड़ा क्रीमी और होने लग गया है। यह आप देख लीजिए, ये देखिए, और साथ साथ कलर भी चेंज हो रहा है और दूध जो है वो थिक भी होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, पहले बिल्कुल दूध जो है वो पतला था और अभी जो दूध जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसे थोड़ी देर तक मज़ीद पकाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध तो हमारा पक रहा है, हमने इसे इतना पकाना है कि थिक भी हो जाए और हाफ हो जाए, और साथ साथ यहाँ पे दूध पक रहा है। आप तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। यहाँ पर हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार है, चूल्हा ऑफ कर देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर निकाल लिया है कंडेंस मिल्क को, हमने बस इसे थिक करना था। यह आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए। तो अभी ये हमारा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर बनाइए और रेसिपीज़ में से ट्राई कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।